राइड करने के लिए बड़ी बाइक की ज़रूरत नहीं होती है, राइड करने के लिए जज्बे की ज़रूरत होती है, और जज्बा जो होता है वो राइडर का होता है, बाइक का नहीं होता। लोग तो स्प्लेंडर पे भी लद्दाख करके आते हैं। शिबू, कोई नहीं जा रहा क्या? कुछ जा नहीं रहा? कोई नहीं जा रहा? बता जल्दी। अरे अरे चले शिबू। इधर देख ओए गंदे बच्चे, इधर देख। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? What is this nonsense? What is this nonsense? अच्छा चलो 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 चले 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 चलो। हेलो दोस्तों, क्या हाल है? आज बड़े दिनों बाद हम लोग रूबरू हो रहे हैं। दरअसल जो लास्ट ट्रिप की थी, लास्ट ट्रिप जो मैंने की थी अभी भरतपुर की थी, और भरतपुर के बाद अब एक नई ट्रिप की प्लानिंग कर रहा हूँ मैं। तो इस बारी मैं सोच रहा हूँ कि अपन लोग उत्तराखंड की तरफ जाएं। उत्तराखंड भी गए हुए काफ़ी टाइम हो गया। पहले सोच रहे थे कि शिमला वाली साइड में जाएंगे, लेकिन शिमला वाली साइड में ये किसानों का आंदोलन चल रहा है, तो आई डोंट थिंक अभी वहाँ जाना फिजिबल रहेगा। फिलहाल एक टॉपिक है जो काफ़ी दिनों से डिस्कस करने का मन था मेरा। दोस्तों मैं आजकल देख रहा हूँ कि हर कोई चाहता है कि सुपर बाइक ले, हर एक आदमी चाहता है कि उसके पास एक सुपर बाइक हो, वो काफ़ी दिनों से राइड कर रहे हैं तो थोड़ा सा अपग्रेड करें और अच्छी बाइक लें, सुपर बाइक ले लें, कोई बड़ी सीसी की बाइक ले लें। हालांकि इंडिया में तो ड्यूक और डोमिनार भी बहुत बेहतर परफॉर्म करती हैं, लेकिन सबकी ख्वाहिश तो होती है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ है, इन बाइक्स के साथ ना एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, क्योंकि हमें देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, आवाज़ भी बहुत अच्छी निकालती है, जाती है, मज़ा आता है देखने में, एंडलेन रश होता है, और भी कई चीज़ें हैं जो हमें खींचती हैं इनकी तरफ। पर सुपर बाइक के साथ एक चीज़ आती है, वो आती है इनकी मेंटेनेंस। आप वन टाइम कॉस्ट तो बियर कर सकते हो, जैसे मान लो आप 10 लाख की बाइक ले रहे हो, 15 लाख की बाइक ले रहे हो, तो एक बारी का तो आप बाइक ले लोगे, लेकिन आप ये भूल जाते हो कि उनको मेंटेन भी करना है, और उनकी मेंटेनेंस अच्छी खासी होती है दोस्तों। मतलब आप मान लो एक सुपर बाइक का टायर भी ना 15-20 हज़ार से कम नहीं आता आजकल। अगर टायर भी आप चेंज कराओगे तो हर 10,000-8,000, सुपर बाइक का तो टायर भी जल्दी जाता है। मतलब जहाँ नॉर्मल बाइक का टायर 30,000-20,000 चल जाता है, इसका टायर चलता है 10,000-8,000, बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर दिया तो 11,000-12,000 तक, उसके बाद ये टायर चेंज कराने पड़ते हैं, क्योंकि हाई रेविंग इंजन होता है, स्पीड ज़्यादा होती है तो टायर भी जल्दी जाते हैं। फिर इनकी सर्विस कॉस्ट, अब सर्विस कॉस्ट भी इनकी अच्छी खासी होती है। तो कहने का मतलब ये है कि हर चीज़ के ना फ़ायदे और नुकसान दोनों ही हैं। जहाँ पे आपको हर चीज़ अच्छी लगती है, वहीं पे इनमें कई सारी चीज़ें ऐसी भी आती हैं जो हमको देखनी चाहिए, मतलब नोटिस रखनी चाहिए गाड़ी लेते वक्त। खैर ये तो अपनी अपनी सोच की बात है, अपने अपने फाइनेंसेस हैं, कोई आदमी अगर कर सकता है तो वो ले लेता है। लेकिन एक चीज़ और है, और वो बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं फेस कर रहा हूँ काफ़ी वक्त से, जब से मैंने टाइगर ली है। उससे पहले हम बुलेट ही चलाते थे। खैर अब तो मेरे को भी 5 साल हो गए चलाते हुए बाइक को, टाइगर को। इनमें एक ये चीज़ होती है कि जब आप कहीं पे भी जाते हो, कहीं भी रुकते हो, कहीं भी स्टॉपेज लेते हो, तो पब्लिक इकट्ठी हो जाती है। पब्लिक आ जाएगी, नोटिस करेगी, अरे ये क्या चीज़ आ गई। हालाँकि है तो बाइक ही, लेकिन उनके लिए ये भी एक अजीब सी चीज़ है। मतलब ऐसी बाइक ना तो उन्होंने देखी होती है, और देखी भी होती है तो फिर भी वो अट्रैक्ट तो करती है लोगों को, और छोटे बच्चे बूढ़े हर कोई लोग आते हैं। कुछ टाइम तक तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन कुछ टाइम बाद फिर आप इरीटेट होने शुरू हो जाओगे, और इरीटेशन इस लेवल की आ जाती है कि फिर समझ में नहीं आता कि क्या जवाब दें। लोग तो पूछते हैं भैया कितने की है, क्या माइलेज देती है। अब उनको नहीं पता कि भाई इसमें माइलेज का ऐसा कुछ होता नहीं है कि माइलेज ही देखनी, तो फिर ये क्यों लेगा आदमी। लेकिन लोग तो पूछते हैं, और अब एक बार दो बार कितने की है, कैसे चलती है, कितनी स्पीड में चलती है, ये सब क्वेश्चंस होते हैं जो कॉमन क्वेश्चन है। जहाँ भी आप रुकोगे वहाँ पे लोग पूछेंगे ही पूछेंगे, तो ये भी एक इरिटेशन होने लगती है कुछ टाइम बाद। लोग आके फ़ोटो खिंचाने लगेंगे, चढ़ जाएंगे बाइक पे बिना पूछे आपसे। अरे ये जब चीज़ें इतनी ज़्यादा परेशान करने लगती है ना, कई बार तो लगता है कि
मतलब ले तो लिया, अब इसको कंट्रोल कैसे करें, पब्लिक को कैसे कंट्रोल करोगे आप? आप जहाँ भी खड़ी करोगे पब्लिक आएगी आएगी। तो सुपर बाइक्स के साथ ना एक ये बहुत बड़ा इशू रहता है, आप कहीं उसको छोड़ नहीं सकते हो, मतलब ऐसे बिना पार्किंग के आप उसे छोड़ नहीं सकते हो। जहाँ भी आप छोड़ोगे आपकी गैर हाजिरी में, आपकी एब्सेंस में कोई भी आएगा छेड़ना शुरू कर देगा। अब मान लो आपके यहाँ बुलेट है या डोमिनार है या ड्यूक है, कोई भी इंडियन बाइक है, तो उसको कोई छेड़ेगा नहीं। छेड़ेगा क्या, वो आएगा देखेगा, क्योंकि कॉमन है, हर किसी के पास होती है। लेकिन ये चीज़ कॉमन नहीं होती, जो सुपर बाइक्स हैं ये कॉमन नहीं होती, और लोग बहुत संभाल के रखते हैं, तो पब्लिक आती और छेड़ती है। अब ये बहुत बड़ा इशू है कि अगर आपने एक खून पसीने की कमाई से इतनी बड़ी बाइक ली है, उसको मेंटेन कर रहे हो, कोई आके अचानक से बिना पूछे आगे बैठ के बैठ जाएगा, चढ़ जाएगा, फ़ोटो खिंचाने लगेगा, तो आप क्या करोगे? आपको गुस्सा भी आएगा, आप बोल भी नहीं सकते कुछ। आप बोलोगे तो पब्लिक कहती है फिर। अब मान लो आप इसकी जगह अगर आपने एक सुपर कार ले रखी हो, अगर आपने कोई सुपर कार ले रखी हो, तो सुपर कार भी अगर आप खड़े करोगे तो पास लोग आएंगे, लेकिन कोई टच नहीं करेगा उसको, उसके अंदर तो नहीं कोई घुस सकता। तो कार में और बाइक में ये फ़र्क है। हालांकि अब जैसे BMW है, मेरे एक फ्रेंड ने अभी BMW ली है, BMW तो और ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। BMW हो गई, टाइगर हो गई, इवन ये आपकी कावासाकी वाली हो गई, 900 कौन सी बाइक आती है वो, बहुत सारी बाइक्स हैं। तो हम ले तो लेते हैं शौक़ में और चलाते भी हैं, सब चीज़ें इंजॉय भी करते हैं, चलो मेंटेनेंस का खर्चा भी उठाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी की बाइक्स हैं, अफ्रीका ट्विन है, ये सब बाइक्स हैं। लेकिन इनके साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर आपके पास पार्किंग नहीं है तो आप इनको छोड़ नहीं सकते, ना छोड़ सकते हो और ना ऐसे कहीं जा सकते हो छोड़ के, मतलब उसको। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि अगर आप इन सब चीज़ों के लिए तैयार हो, आप उनको हैंडल तो कर सकते हो, मतलब उनको उसको टेक केयर तो कर सकते हो, आप उसका खर्चा भी उठा सकते हो, वो एक अलग बात है, लेकिन आप पब्लिक को कैसे रोकोगे? अगर आप इन सब चीज़ों के लिए तैयार हो, आप चाहते हो कि आप ये सब मेंटेन कर लोगे, समझा लोगे लोगों को, हर किसी का एक सवाल का जवाब दे सकते हो, तो आप ये आँख बंद करके बाइक्स खरीदो, इन्जॉय करो लाइफ, मज़ा आएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई अगर आप 10-15 लाख की चीज़ आपने रोड पे छोड़ी हुई है और पब्लिक आके उस पर चढ़ रही है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ छेड़ रहा है, कोई फ़ोटो खिंचा रहा है बिना पूछे आपसे, तो फिर आपको ये सोचना चाहिए। बस आज का टॉपिक यही था, थोड़ा ध्यान रखें इस चीज़ का, और कीप राइडिंग, कीप रॉकिंग। और दोस्तों एक चीज़ और है कि राइड करने के लिए बड़ी बाइक की ज़रूरत नहीं होती है, राइड करने के लिए जज्बे की ज़रूरत होती है, और जज्बा जो होता है वो राइडर का होता है, बाइक का नहीं होता। लोग तो स्प्लेंडर पे भी लद्दाख करके आते हैं। तो पहले तो ये बात दिमाग से निकाल दो कि बड़ी बाइक है तो ज़्यादा मज़ा आएगा, ज़्यादा अच्छा ट्रिप होगा। ट्रिप तो तब भी हो जाएगा, मज़ा आना चाहिए, मज़ा रस्तों का आता है, मंजिलों का आता है, चीज़ देखने जाते हो, जो नेचर आप इंजॉय करते हो उसका मज़ा आता है, बजाय कि आपके दिमाग में यही टेंशन रहे कि यार मैं यहाँ पे खड़ी करके जाऊँ, वो देखूँ, यहाँ जाऊँ, वहाँ जाऊँ, आपके बैक ऑफ द माइंड तो वही प्रॉब्लम रहती है, आप क्या एंजॉय कर रहे हो। तो ये चीज़ को सोच लेना लेने से पहले, और बाकी आप हो कैपेबल इन सब चीज़ों को कैटर कर सकते हो तो आप लो, एंजॉय करो लाइफ, एंजॉय करो। जो भी गाड़ी है आपके पास, जो गाड़ी आपके पास है वो सबसे बेस्ट है दोस्तों, उसको याद रखो और लाइफ एंजॉय करो, राइड एंजॉय करो, कीप रॉकिंग, कीप इंजॉइंग। तो गांव वालों मौज उड़ा लो, क्योंकि नई राइड आने वाली है उत्तराखंड की।